यार मामा, हम तो मजाक कर रहे थे, आप नाराज हो गई? बाबा इज राइट, आप नाराज ना हो प्लीज। नाराज नहीं हूँ। तो फिर वहां से उठकर यहाँ क्यों आ गई? ऐसे ही फहद, और तुम जाओ, जाकर अपना होमवर्क फिनिश करो, टेस्ट है कल, किताबें खोलो, जाओ जाओ। हेलो, अच्छे वाले माहौल में बैठे हुए थे हम, खुश थे, पर सीरियसली हमने मजाक किया था। तुमने इतना डांटा उसको, उस बच्चे को भी हर्ट किया। मैंने कब किया ऐसा? That's the thing. तुम्हें खुद आइडिया नहीं होता कि कब किस बात पे तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है और सारे घर का माहौल खराब हो जाता है। मेरी वजह से? नहीं, ये सब भी मेरी वजह से ही होता होगा, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंस इन दिस हाउस। सलमा, सलमा जी। बाजी, क्या हुआ? सुनने का कहा था मैंने। बाजी बस मैं कर रही थी वो, मैं कुछ काम कर रही हूँ। ऐसा क्या काम कर रही थी, आधा घंटा हो गया है, इससे तो बेहतर बंदा खुद ही कर ले काम। एक काम एक्स्ट्रा बोल दो ना तो फौरन मुंह बन जाता है तुम लोगों का। बाजी मैंने मना तो नहीं किया ना, मैं तो बस वहाँ पे डस्टिंग कर रही थी, मैंने उसके बाद सोचा ही सारी सब्जियां धो दूंगी। आप बिला वजह नाराज हो रही हैं। बिला वजह? मैं बिला वजह नाराज हो रही हूँ? पागल लगती हूँ तुम्हें मैं? तुम में से किसी का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है, सारी गलती मेरी है, कोई और गलत हो ही नहीं सकता है ना। बाजी क्या हो गया, अंदर जाके बैठे, मैं अभी सारी सब्जियां धो के रख देती हूँ। खुद धो लूंगी मैं। ठीक है, लेकिन आपका अपॉइंटमेंट 3:30 बजे का था और आप अब तक एग्जैक्टली मैं वही तो आपका वेट कर रही हूँ, दैट यू हैड टू बी हियर। हमें मेकअप कंटिन्यू करना होता है, उसके टाइमिंग अलग अलग लगते हैं। आपका अपॉइंटमेंट पिछले हफ्ते का था। या सॉरी। ठीक है, मैं कर लेती हूँ सब कुछ। आयशा आप क्यों बैठी हो, काम शुरू करवाओ। नहीं नहीं मैं आप ही से बात कर रही हूँ। एग्जैक्टली तो कब तक होगा? ठीक है आप आ जाएं फिर उतने टाइम, 10 बजे। क्या मसला है? मैं हूँ मसला, आई एम द प्रॉब्लम, समझ आ गई है मुझे यार, मैं हूँ मसला। अच्छा ठीक ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके बाय। जी जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ए ए व्हाट्स रॉन्ग? आयशा, आयशा रो क्यों रही हो यार, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके, आर यू फाइन? आयशा, आयशा काम डाउन, आयशा व्हाट्स रॉन्ग, यू वॉरिंग मी। कूल स्टफ यार, वेरी नाइस नाइस। किसी पे मजाक बना मेरा? तो मतलब उसे बुरा लगा? नहीं, कह रहा था कि लोग मजाक उड़ाएंगे और फनीएस्ट वीडियो ऑफ द ईयर में भी भेजा जा सकता है। इज राइट, किस स्टूपिड लग रही हूँ मैं, देखो तो। कमेंट्स तो चेक किए तुमने उस पे? लाइक्स देखो, कमेंट देखो, मजेदार वीडियो है यार, यू शुड डू दिस। मेरी किसी पोस्ट पे आज तक इतने लाइक्स नहीं आए हैं। एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ, आई एम सो ग्लैड तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। पर मैं नहीं बनाऊंगी अब ऐसी कोई भी वीडियो, ना ही अपलोड करूंगी। मतलब आयशा यार, आई मीन मैं इतनी देर से तुम्हें कह रही हूँ, पीपल आर गेटिंग मोटिवेटेड, दे आर अप्रिशिएटिंग यू, इतने अच्छे कमेंट्स हैं, तुम्हें डीमोटिवेट करना ना एक मिनट का काम है। कब से तारीफ कर रही हूँ वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई भी तुम्हें कुछ कह दे तो बस। कोई नहीं है ना यार, वो इज माय हस्बैंड, और कोई और क्रिटिसाइज करता ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फहद तुम्हें अच्छा लगा ना, लोग तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं तुम्हें, है ना? हाँ ना, सो डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, दैट्स इट।
फाद मुझे बात करनी थी जरूरी। करो। मैं सोच रही थी कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बना लूं। तुम सुन रहे हो? तुम करो ना, बात सुन रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो वीलॉग्स बना रहे हैं यूट्यूब पे, पता है, और बहुत पैसे कमा रहे हैं, कामयाब बिजनेसेस रन कर रहे हैं पूरे पूरे। आई नो, सही बात है। साशा ने सजेस्ट किया, मुझे भी लगा कि अच्छा, बाद में सीरियस बात करी। सुन रहा हूँ यार, बात तो पूरी करो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ बोर नहीं हुए हो मुझसे, तंग भी आ गए हो। बात ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, घेर लिया बेचारे को यार, लेकिन प्लीज उस पे जरा उसकी सैलरी के हिसाब से ही जोर डालना। हाँ ठीक है, तुम लोग एक काम करो ना, मैं 10-15 मिनट तक निकल रहा हूँ, तुम लोग जहां भी जा रहे हो ना लोकेशन मुझे फिर पिन कर दो। ओके। हेलो साशा। हाँ, मुझे बात करनी है, तुम आ सकती हो? हाँ अभी, मैंने डिसाइड कर लिया है।